हेलो फ्रेंड्स, समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी करंट की सीरीज चल रही है, ये वीडियो जो करंट की है वो समीक्षा पब्लिकेशन के सहयोग से आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो चलिए दोस्तों, आज डेट है 21 नवंबर 2018, इसका करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहली न्यूज है 7वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 22 से 24 नवंबर 2018 को त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया जाएगा। 18 देशों के 41 विदेशी प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ग में भाग लेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या याद रखना है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड मार्ट हुआ वो कौन से नंबर का था, वो 7th नंबर का था। और साथ ही साथ हमें ये याद रखना है ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये अगरतला त्रिपुरा में आयोजित हुआ। बस दोस्तों, आगे देखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इससे कि देश का पहला एलिफेंट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहाँ पे खुला। तो इंडिया फर्स्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फॉर द एलिफेंट हैज बीन ओपन बाय आगरा डिविजनल कमिश्नर एट फरहा ब्लॉक चुनार विलेज मथुरा। मथुरा के फरहा ब्लॉक के चुनार गांव में आगरा डिविजनल आयुक्त अनिल कुमार ने हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल खोला। आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो लोगो है, ये निसान कंपनी का, ये बहुत बड़ी जो कार ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, इसके जो चेयरमैन हैं कार्लोस गोसन, इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है टोक्यो में फॉर द क्लेम ऑफ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। निसान के अध्यक्ष कार्लोस गोसन को टोक्यो में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। इंपॉर्टेंट न्यूज, झारखंड विद्युत प्रणाली सुविधा परियोजना के अंतर्गत झारखंड के लोगों को 2400 घंटे विश्वसनीय, गुणवत्ता संपन्न एवं किफायती बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार और विश्व बैंक ने $310 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने वर्ल्ड बैंक से $310 मिलियन का, जो $US मिलियन का लोन लिया है, किस लिए, झारखंड पावर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। जो पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उसके तहत रिलायबल क्वालिटी एवं अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी झारखंड के सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए। चलिए दोस्तों, छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक जो है वो जुलाई 1945 में एग्जिस्टेंस में आया। इसके साथ ही साथ हमारा IMF भी इसी के साथ एस्टेब्लिश हुआ था। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटन वुड ट्विंस बोलते, क्योंकि ब्रिटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद इन दोनों का स्थापना हुई है। देखते हैं कि इसका मोटो क्या है। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी वह खस्ता हालत हो गई थी, उसको सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया। और जो पॉवर्टी है पूरे विश्व में उसको खत्म, मतलब कि जो गरीबी है उसको खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है। और दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है Washington DC US में। डीसी का फुल फॉर्म आप लोग को अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ये होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये एग्जाम बहुत आता है कि Washington DC में डीसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो मेंबर्स की संख्या है वो भी अलग अलग है। दो टाइप के दे रखे हैं, 190 कंट्रीज है जो IBRD दे रखा है उसके आगे, और 173 के आगे दे रखा है IDA। तो हम देख लेते हैं ये है क्या। वर्ल्ड बैंक एक एक ग्रुप है जिसकी 5 एजेंसीज है जिसके अंदर में काम करती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि इसकी 5 एजेंसीज कौन कौन सी। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक खुद है। वर्ल्ड बैंक का असली नाम जो है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इसका ऑफिशियल नेम बोल सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा जो बजट हमारे, जिस तरीके से बजट जो होता है वो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेम नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल नेम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी तरीके से हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो नेम है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
और इसके साथ साथ दूसरा एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरी एजेंसी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथी एजेंसी है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और पांचवी एजेंसी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसेटलमेंट ऑफ। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इंडिया जो है वो इन चारों का मेंबर है, मतलब वर्ल्ड बैंक का, आईडीए का, आईएफसी का और मीगा का, पर वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट इसका मेंबर नहीं है। मतलब हम अपने सारे डिस्प्यूट खुद ही सुलझाएंगे, किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड बैंक दो इम्पोर्टेंट इंडेक्स रिलीज करता है, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस बार इंडिया की रैंक जो है वो 77 आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने सीधे 23 रैंक पे जंप किया है, तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जश्न बचपन एक थिएटर फेस्टिवल है, इसका 14th एडिशन हाल ही में न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ, और इसमें किस किस देश से परफॉर्मेंस हुई, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया से लोग आए और यहाँ पे परफॉर्म किया। और ये जो फेस्टिवल है जश्न बचपन, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये न्यू दिल्ली में ही सिचुएटेड है, ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है, हम आगे न्यूज देखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी में हुआ। पोर्ट मोरेस्बी क्या है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है, पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट वॉज हेल्ड इन पोर्ट मोरेस्बे पापुआ न्यू गिनीज कैपिटल। दिस इज द फर्स्ट टाइम पापुआ न्यू गिनीज द पुअरेस्ट ऑफ द 21 कंट्रीज इन एपीईपी हैज होस्टेड द समिट। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो प्रशांत और एशिया आर्थिक सहयोग एपीईसी का शिखर सम्मेलन पोर्ट मॉरिसबी में हुआ। पोर्ट मॉरिसबी क्या है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है, और इसमें टोटल 21 देश हैं जो हमारा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसमें। तो आगे देखते हैं, अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं, पापुआ न्यू गिनी की, ये इंडिया है। अब इसके जब हम साउथ ईस्ट में जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये पापुआ न्यू गिनी है कि जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोरेस्बे, तो हमें याद रखना है। दोस्तों आगे देखते हैं, ये एक छोटा सा कोटेशन मेरी तरफ से, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए डाल दिया। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए तो मूर्ख रह सकता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं है वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है। तो सो कीप आस्किंग द क्वेश्चंस और अच्छे से पढ़ें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम फिर मिलते हैं अपने छोटे से वीडियो के साथ, जो कि पूरा पूरा डेडिकेटेड होता है एग्जाम के लिए, एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है उसके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।